अरे नाच रहा था समझाना, घुस गए रेस्टोरेंट में। हेलो एंड वेलकम गाइस, आशीष लाइफस्टाइल ब्लॉग्स के एक अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोग का लास्ट एग्जाम खत्म हो गया था। तो फिलहाल अभी हम लोग सिमडेगा में ही है, क्योंकि हम लोगों को कहीं से पता चला था कि यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है माटे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मोर माटे लिखा है। और ये कुछ बाहर से इस लोकेशन का नज़ारा है, और इसके बारे में हमको शुभम बताया था इस रेस्टोरेंट के बारे में। ये रेस्टोरेंट सिमडेगा में जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हुए, जो कि झारखंड का ट्रेडिशनल कल्चर है उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो चलिए अंदर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रेस्टोरेंट का अंदर का नज़ारा, कुछ व्यू इस तरह का है, वंडरफुल जगह लग रहा है। नहीं शुभम, वेरी नाइस, मतलब देख सकते हैं सारा, मतलब मिट्टी वगैरह और जो भी हम लोग का सांस्कृतिक चीज़ें, जैसे कि आपका ये लकड़ी हो गया, बांस का बनाया हुआ लकड़ी हो गया ये सारे, और आप देख सकते हैं वोल्टेज कनेक्शन भी देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग बट जॉइंट, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हैं पूरा दीवार जो आपको दिख रहा है मेरा ना, सारा मिट्टी का जो यहाँ पर कलर है उससे डेकोरेट किया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेस्टोरेंट का कुछ अंदर से नज़ारा है, और ऊपर का आप लुक देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक और ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। मतलब खास करके यदि कोई कपल आना चाहता है, फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो मस्त जगह है। क्यूट सा डॉग है, पप्पी, वो डांसिंग फ्लोर है, ठीक है। मतलब जो भी है, मान लेते फैमिली के साथ आया या फिर कपल आया, तो आप यहाँ पर डांस करके भी इंजॉय कर सकते हैं। और रितेश भाई देख सकते हैं, सूरज आया हुआ है और शुभम है, और फिर हम लोग के सतीश दा, ठीक है। वहाँ पर वाशरूम का सीन आप इस तरह देख सकते हो। तो फाइनली अब काम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और क्या मतलब कितना टेस्टफुल है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। हम लोग टेबल पे मतलब सीट लगा लिए, और देख सकते हैं टेबल कितना मस्त, मतलब ये भी जो है ना, ये जहाँ पर हम लोग टिश्यू पेपर रखने का है ये भी पूरा लकड़ी का है। ये भी कलर आपको कुछ लकड़ी का ही कलर आपको दिखाई मिलेगा, नमक इसमें लिखा हुआ है, और सब में मतलब बांस का यूज हुआ है, ठीक है। पीछे देखिए कुछ कपल लोग भी आए हुए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ फैमिली मेंबर्स भी आए, ठीक है। डीजे फ्लोर यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को सारा जो गिलास है वो सर्व किया गया है, यहाँ पर मिनरल वाटर हम लोग का किनले का वाटर सर्व किया गया है। दो वाटर, एक ठंडा वाटर है और एक नॉर्मल चिल वाटर है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का स्वागत हुआ है। बाकी यहाँ पर इसके बाद हम लोग का मेन्यू आएगा, उसमें से क्या हम लोग देखते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हो। हम लोग के पास मेन्यू आ गया है खाने का, क्या क्या मेन्यू है, क्या क्या मेन्यू है सुरेश? वेज मंचूरियन है फुल 120 रुपया, हाफ 70 रुपया। चिकन चिल्ली है फुल 180 रुपया, हाफ 100 रुपया। उसी प्रकार से यहाँ पर ना हुआ, ये हम लोग घर में खाते क्या फ्राई चावल, यहाँ कितना रेट है 120 और हाफ प्लेट 70 रुपया है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ है, तो चलिए हम लोग कुछ सिलेक्ट करते हैं यहाँ का और टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ का खाना का क्या है। बाकी सर्विंग चल रहा है, देखते हैं ऑर्डर कब आता है। बाकी यहाँ पर ऋतिक भाई है, हेलो ऋतिक भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर मोर मिट्टी? अच्छा लग रहा भाई। रितेश भाई भी है, शुभम भाई कैसा? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। बाकी यहाँ पर डांस का जो सॉन्ग का आवाज आ रहा है ना, इससे हम लोग भी मन करेगा डांस करके, तो मूड आज आशीष को पूरा डांस करवा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर डांस फ्लोर में भी चलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग ऑर्डर करवा लिए, और ऑर्डर में क्या है कि चिकन रोल ना हम लोग का 5 पीस आने वाला है, और शुभम भाई मतलब चिकन नहीं खाते इसलिए वेज मंचूरियन इसका हाफ प्लेट अलग से आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन्यू रहा, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग जब खाना खाने आइएगा तो ये सारा मेन्यू है। और ये कुछ डीजे का फ्लोर का नज़ारा, और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होते जा रही है ना, वैसे वैसे लाइटिंग आप देख सकते हैं, लाइटिंग से कितना सुंदर दिख रहा है ये जो हम लोग का रेजोर्ट है ना, मस्त लग रहा है एकदम। और ये कुछ नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को। और ये कुछ अंदर का लोकेशन है, ये कपल बैठे हुए वहाँ पर, और म्यूज़िक मज़ा आ रहा है, म्यूज़िक के साथ में डिनर जो भी हम लोग रात का डिनर या जो भी आप समझ लें। और अभी पहला डिश जो आने वाला है चिकन हम लोग ऑर्डर करवाया है, और जो हम लोग का शुभम भाई है वो वेज मंचूरियन का गया। बाकी ये देख सकते हैं रसोई घर है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पॉट है देख सकते हैं,
मस्त दिख रहा है एकदम। और लाइटिंग का तो मतलब व्यवस्था जो है ना वो भी ख़तरनाक है। और दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारा यहाँ का, लैपटॉप है यहाँ पर और ये कुछ नज़ारा देख सकते हैं, बेहतरीन नज़ारा है, खूबसूरत मनमोहक एकदम दृश्य। और ऊपर कुछ इस तरह से इसको कवर किया गया था, ठीक है। बाकी ये कुछ लोकेशन है, मतलब मज़ा आ रहा है हम लोग को फील कर पा रहे। ये जैसे जैसे शाम होते जा रही है ना वैसे वैसे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ को लोकेशन देखते हुए। बाकी कुछ चाय कॉफ़ी का भी हम लोग को प्लानिंग है, फोटोशूट भी करवा रहे हैं, हम लोग भी फोटोशूट करवाएंगे, डांस भी करेंगे यहाँ पर। और काफ़ी बेहतरीन जगह है सिमडेगा में, आप आ सकते हैं यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर वहाँ पर, अब बैठे हुए हैं सूरज भाई लोग और शुभम भाई लोग, तो चलते हैं फिर हम भी। सो गाइस भैया यहाँ पर हम लोग जो भी सर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डर करवाए थे उसका ऑर्डर आ चुका है। और ये चिकन रोल हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्विंग कैसे किया गया, यहाँ पर दो चटनी दिया गया, एक चटनी ऐसे ही बाजू इतना ज़्यादा दिया ना, ये भी आया है ना, ये भी लकड़ी का ही आया है, ठीक है। ये आपको दिखाते हैं, ये मेरा प्लेट है। और म्यूज़िक सुन के और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर और एक चीज़ है, और बाकी फॉयल पेपर से एकदम पूरा सर्व किया गया है चिकन रोल। खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं फिर आपको। सारा दिन देखो के दिन तेरा मेरा अबे रोल है रोटी नहीं है। अच्छा जैसे मन करता इसको टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट कैसा है? एक नंबर है नहीं। पहले हम ये जो रेड वाला जो सॉस है ना इस पे ट्राई करते हैं, फिर जो व्हाइट वाला सॉस है उस पर ट्राई करेंगे। एक नंबर है, बेहतरीन स्वाद, बेहतरीन स्वाद, मज़ा आ रहा, मस्त टेस्ट कर लो, अमेजिंग सर। बाकी रेड वाला जो सॉस है इसमें बहुत अच्छा लगा, बाकी व्हाइट वाला सॉस ट्राई करते हैं और एक बार मिक्स भी ट्राई करेंगे। इसके बाद किसका प्लानिंग है? वेज बिरयानी का। उसके बाद भेज बिरयानी का हमें को प्लानिंग है। बाकी ये वाला सॉस से भी और भी लाजवाब लग रहा है, मस्त लग रहा है टेस्ट। और एक बार मैं आपको प्रीफर कर दीजिए, आप सिमडेगा आते हैं तो यहाँ मोर मेटेरियल जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर जरूर विजिट करिए, ठीक है। रितेश भाई कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा, मस्त, मज़ा आ रहा है ना रितेश भाई? मज़ा आ रहा है, मज़ा है, मस्त है, ठीक है। और ये कॉलेज का लगभग हम लोग आखिरी दिन है नहीं, लास्ट क्या शुभम आखिरी दिन है, बेहतरीन स्वाद। और आखिरी दिन को यहाँ आपको एक बार जो रहना चाहिए, ठीक है। बाकी ये हम लोग का लास्ट दिन, और लास्ट दिन इतना ज्यादा खूबसूरत होगा, हम लोग सोचे ही नहीं थे। हम लोग आज पहली बार हम जान रहे हैं कि मोर मिट्टी सिमडेगा में है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग का शुभम भाई, ठीक है। बाकी इसके बाद और भी कुछ ऑर्डर करवाते हैं, इसके बाद आपको वहाँ डांस फ्लोर में हम लोग डांस भी करने वाला है, मस्ती पूरा होगा, तो बने रहे ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स हम लोग का प्लेट खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट प्लेट आएगा और सर्विंग आ भी चुका है, ठीक है। यहाँ पर सॉस लेके आए भाई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सोम भाई का जो वेज मंचूरियन था वो भी टेस्ट किए, काफी अच्छा है टेस्ट उसका। बाकी इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर भी आ रहा है तो वो भी दिखाते हैं, वंडरफुल टेस्ट, मज़ा आ रहा है। ये व्यू जो रेस्टोरेंट का है ना ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, नज़रें आपकी हटनी नहीं वाली है और फुल पैसा वसूल हो जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर टिश्यू पेपर जो है ना, टिश्यू पेपर में भी यहाँ पर मोर मिट्टी का जो ब्रांडिंग है ना वो किया गया है, मोर मिट्टी कैफे। सो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का नेक्स्ट ऑर्डर भी आ चुका है, ये दो प्लेट हम लोग का वेज बिरयानी भैया लेके आए। स्वाद इसका
क्या मिला है सब भैया से हम लोग कुछ बात करते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में। तो भैया ये रिजॉर्ट कब खुला था, कितना दिन हो गया? लगभग 2 महीना हो रहा है चालू हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 महीना हुआ, और 2 महीना में ये जो रिजॉर्ट है ना काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। बनवाने में कम से कम 9-10 महीना हो गया। क्या क्या बनवाने में? मतलब इसका डिजाइनिंग और जो भी स्ट्रक्चर दिखा है मैंने, इसको बनवाने में 9-10 महीना से ज़्यादा का टाइम लग गया। और एक मतलब 2 ही महीना हुआ, और मैंने कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोज में देखा था, तो उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी काफ़ी शानदार जगह है भैया। और यहाँ का सर्विस का बात करिए तो सर्विस 1 नंबर है, खाना 1 नंबर है। और यहाँ पर मतलब कितने लोग आ जाते होंगे एक दिन में? एक दिन में 30-40 आ जाता है। 30-40 साठ को भी 100 पहुँच जाता है। साठ कभी 100 पर मतलब शाम में इधर 7 बजे से उधर 7 बजे से 10 बजे तक भीड़ रहता है। और रिजल्ट है ना कितने से कितने बजे रहता है? 10-11 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे मान के चलिए, 10:30। और खुलता कब है रिजल्ट? सुबह 12 बजे 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद इधर खाना पीना मिलता है। 12 बजे के बाद और खत्म कब हो जाता है? 11 बजे। हाँ 11 बजे खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी ये कुछ रहा इस रिजॉर्ट के बारे में। जो हम लोग भेज बिरयानी था ना ये खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग 2 बोतल आया हुआ है एक ऋतिक भाई के पास है। ठंडा पानी एकदम चिल्ड पानी है। सो फ्रेंड्स, भैया हम लोग को बता रहे थे, यहाँ पर भैया है अभी बता रहे हम लोग, ये जो हम लोग का रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पर सारे चीज़ इथिकल होते हैं। ठीक है, कोई अनएथिकल चीज़ यहाँ पर नहीं किया जाता, जैसे कि दारू गांजा भांगू ये सिगरेट वगैरह ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। फुल्ली प्योर खाना यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आप एकदम सेफ्टी के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। पानी भी एकदम मज़ेदार है, एक नंबर, मतलब सारे चीज़ एकदम सुपर है और मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग का 3rd रोड आने वाला है, और 3rd रोड में हम लोग वेज मोमोज मंगाया है नहीं। अब हम लोग का अगला प्लानिंग है वेज मोमोज का। ठीक है, वेज मोमोज आएगा, उसके बाद देखते हैं यदि सीन बना तो लास्ट सीन हम लोग बना के चाय का, फिर चाय का प्लान है, नहीं तो फिर कॉफी का प्लानिंग रहेगा। कॉफी का प्लानिंग है। ठीक है, अभी वेज मोमोज आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम लोग सबसे एक बार हम लोग फीडबैक पूछ लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट के बारे में अब आने के बाद क्या करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले शुभम से, उसके बाद सबसे एक एक करके बात करेंगे। भाई मतलब रेस्टोरेंट के बारे में क्या ही कहना, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन। जो इसका टेस्ट है और जो सर्विस है बेहतरीन क्वालिटी की है। सर्विस 1 नंबर क्वालिटी, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी सही है। क्वांटिटी भी सही है, मतलब तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो भी व्यूअर्स है या फिर जो भी इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनसे ये मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो जरूर एक बार विजिट करें माई मोर मिट्टी सिमडेगा में। इस रेस्टोरेंट में तो बहुत मजा आया आ करके, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा देख कर। डेकोरेशन रिजॉर्ट के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है। बाकी सतीश बात पूछते हैं। सतीश भाई, अरे यहाँ का सब चीज़ खाने में बहुत ही बहुत मज़ा आ गया, और ख़ास करके चटनी खास करके चटनी चटनी बहुत ही फेमस है। तो फ्रेंड्स, अब मोमोज को टेस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग शेजवान वो सब तो ले गए, पहले थोड़ा सा टमाटर सॉस ले लेते हैं, और थोड़ा सा चिल्ली सॉस यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोमोज में चिल्ली सॉस भी दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक काम करते हैं, इस दोनों को थोड़ा सा नमक यहाँ पर नमक दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नमक यहाँ पर सर्व कर देते हैं, और लास्टली फाइनली क्या करते हैं, दोनों से एक बार दोनों चटनी से मिक्स कर दिए, और इसका टेस्ट बताते हैं आपको इसका कि इसका टेस्ट कैसा है। चटनी एकदम खत्म करके जाना है। ठीक है, बाकी मोमोज का तो अलग बात है, मोमोज का मजा जो आ रहा है ना वो चटनी के साथ स्पेशली आ रहा है। क्या बहुत सारे चटनी के साथ मिक्स करके खा रहे, मजा आ रहा है एकदम। तो एकदम टेस्ट एकदम शानदार है। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग का जो भी खाना पीना है ना वो हो गया, बाकी इसके बाद हम लोग कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। जितना भाई आप कॉफ़ी पीना है नहीं, कॉफ़ी पीना है। ठीक है, चलना है, बाकी शाम के टाइम का नज़ारा देख सकते हैं।
कैसा फील हो रहा है शुभम? बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर देखिए ना, एक सीन दिखेगा आपको, इधर है शुभम, मोर मिट्टी का यहाँ पर स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है, ये कुछ नज़ारा रहा, डांसिंग फ्लोर, डीजे बज रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्यूट सा पप्पी सोया हुआ है, शुभम खेल रहा है डॉगी के साथ, ये देखिए शुभम को मस्त एकदम इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। सूरज भाई आप फोटो खिंचाएगा। एक बार भी जाया, एक बार नजारा दिखाते आपको आगे का, ये कुछ सीन है अभी का फिलहाल का। और अभी हम लोग का चाय कॉफ़ी बाकी है, हम लोग कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, चाय नहीं ऑर्डर कर रहे, कॉफ़ी बाकी है। अभी फैमिली के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रिसोर्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका फैमिली का जो है ना वो चेकआउट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बाहर का कोई सीन दिखाता हूँ अभी का कैसा दिख रहा है। यहाँ पर लाइब्रेरी एक डिज़ाइन किया गया है, तो किताब वगैरह पढ़ाने के लिए, और पढ़ने के लिए किताब वगैरह पढ़ना है आपको, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, तो यहाँ पर आप लाइब्रेरी से कोई किताब बुक भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको चेकआउट करना है, चेक इन करना है, और जो भी आपका कलेक्शन है, पैसा जो भी आपका बिल बनेगा यहाँ से कट जाएगा। बाकी ये यहाँ पर बच्चों को मस्ती के लिए भी यहाँ पर अच्छा ध्यान रखा गया है, एडल्ट 30 रुपीज़, चाइल्ड 20 रुपीज़, ठीक है, सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा रहा फिर बाहर का, देख सकते कितना मस्त एकदम डेकोरेट किया गया है, सारा चीज़ जो है ना वो बांस का बना हुआ है और मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का जो डिज़ाइनिंग है वो किया गया है, और यहाँ पर कलरिंग भी उसी हिसाब से, मतलब आपको जहाँ आप दिखे वहाँ आपको ब्राउन कलर इस वक्त कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है, मस्त एकदम। और बाकी सारे जो भी हम लोग बाथरूम वाशरूम जो भी है ना वो भी उसी कलर के बनाए हुए हैं, और फोटोग्राफी अभी भी कंटिन्यू है, इंजॉय कर रहे सारे लोग। जो तुम ना हो तुम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। हॉस्टल का लड़का लोग साथ हैं, हाँ 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 अरे नाच रहा था समझा ना, घुस गए रेस्टोरेंट में और खाए पिए आवाज। इसीलिए तो हाँ दादू से नहीं तो ट्रांसफर कर दो यही नंबर में, ज़्यादा बैटरी नहीं टिकता है मेरा, समझा। अच्छा फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग को कॉफ़ी सर्व किया जा रहा है, ये कॉफ़ी है सारे लोगों के लिए कॉफ़ी, और ऊपर से हम लोग जो है ना कॉफ़ी देख सकते हैं, और इसके ऊपर से हम लोग कोको डलवाएंगे, ठीक है। चाय पिएगा ना, चलो हो गया, बिल मंगवाओ, बिल फटेगा सब पे।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हम लोग बिल है ना वो बिल भी आ चुका है 1120 रुपये। फाइनली हम लोग चेकआउट कर चुके हैं और सारे लोग हम लोग का रेस्टोरेंट है ना इससे बाहर निकल चुके हैं। और कैसा लगा भाई लोग? ये तो मजा आ गया। अब मैं जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उनसे सजेस्ट करना चाहूंगा वो माइम और मिट्टी एक बार जरूर विजिट करें। और यहाँ का जो भी है सिमडेगा जब भी आए जरूर विजिट करें। यहाँ का मतलब खाना से लेकर सर्विस तक काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन है, ठीक है, ये वन क्वालिटी का, ठीक है। बाकी आपको ये रिजॉर्ट कैसा लगा कमेंट पे आप एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है क्या? लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में